In a class test, the sum of Shefali marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. हमने ले लिया कि let the Shefali marks in mathematics equals to x. This is equal to x. Let the Shefali marks in English will be x plus y equals to 30 था हमारे पास, क्योंकि sum किया था mathematics और English का equals to 30, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 30 minus x. तो यहाँ पे हमारे पास English के marks आ गए, हमने let कर लिया कि 30 minus x है और Shefali marks in mathematics equals to x. According to given question, हम क्या लिखेंगे, had she got 2 marks more in mathematics. मैथमेटिक्स को हमने क्या लिया, एक्स लिया, टू मार्क्स मोर, तो एक्स प्लस टू आ जाएगा, टू मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, प्रोडक्ट करना इन दोनों का, एंड थ्री मार्क्स लेस इन इंग्लिश, थर्टी माइनस एक्स, थ्री मार्क्स हमने लेस कर दिए इंग्लिश में से और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, वो किसके इक्वल होगा, 210 के. ठीक है, एक्स प्लस टू हम ऐसे ही लिखेंगे, 30 माइनस एक्स, 30 माइनस थ्री क्या होगा, 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210. ठीक है, उसके बाद x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210. ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस एक्स स्क्वेयर, 27 माइनस 2x करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 25x इक्वल्स टू 210 माइनस 54. ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 210 में से 54 गए, कितने आ जाएंगे हमारे पास, 160 एंड 156. ये हमारे पास आ जाएगा 156 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आपने इसको सोल्व करना है बाय एनी मेथड, बाय फैक्टराइजेशन और बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक मेथड, एंड यू कैन फाइंड टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड यू पुट दिस टू रूट्स हेयर. लेट द Shefali मार्क्स इन मैथमेटिक्स एक्स एंड द इंग्लिश मार्क्स 30 माइनस एक्स एंड यू गेट द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इन दिस बाय पुटिंग दिस इक्वेशन हेयर. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more. अब हमने एक rectangle बनाया, इसकी जो diagonal है, diagonal क्या है, 60 meter more than the shortest side. 60 meter more than the shortest side. Shortest side will be this x. हमने इसको shortest side मान लिया, और जो longer side है, if the longer side is 30 meter more than the shortest side. This is our longer side. This is diagonal. And this is shortest side. Okay. Let the, आपने क्या, diagonal of rectangular field will be, diagonal of rectangular field equals to x plus 60. Longer side of rectangular field equals to x plus 30 and shortest side of rectangular field equals to x. So, how can we solve it? By Pythagoras theorem, we know that hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. What is hypotenuse? That is the diagonal. Perpendicular is shortest side and base is the longer side. X plus 30 ka whole square. X square a plus b ka whole square a square plus b square plus 2ab 120x equals to x square plus x square a plus b का होल स्क्वायर 60x, x square plus 3600
प्लस 120x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x. यू कैन राइट 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल्स टू 0. 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 120x प्लस 60x माइनस 60x माइनस 3600 प्लस 900 दैट इज माइनस 2700 इक्वल्स टू 0. सो आपके पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको आपने सोल्व करना है बाय एनी ऑफ थ्री मेथड्स. आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे, उनको आपने डायगोनल में पुट करना है, फिर आपने लॉन्गर साइड में एक्स में पुट करना है, फिर शॉर्टर साइड. आपके पास तीनों साइड्स आ जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है. अनदर क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ टू नंबर्स इज 180. लेट द डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ टू नंबर्स इज 180. द स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. फाइंड द टू नंबर्स. लेट द लार्जर नंबर इक्वल्स टू एक्स एंड द स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू वाई. अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया है. डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ टू नंबर्स एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 180. डिफरेंस मीन्स माइनस. स्केयर ऑफ टू नंबर मीन्स स्केयर ऑफ द लार्जर नंबर माइनस स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इक्वल टू 180. दिस इज इक्वेशन वन. एंड अनदर इक्वेशन इज स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर. दिस इज द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज मीन्स इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर दैट इज x. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन. सो एक्स स्केयर वाई स्केयर को इक्वल टू 8x जो हमारे पास आया उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वल टू 180. तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी. एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0. तो अब आपने यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है. दो रूट्स आपके पास आ जाएंगे. टू सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी ऑफ थ्री मेथड्स आपके एक्स के जो दो रूट्स आएंगे उसको आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो आपके पास लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर आ जाएगा. नेक्स्ट इज अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर. टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस कितना हमारे पास 360 किलोमीटर. तो टाइम टेकन क्या होता है. डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. टाइम आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना हमारे पास 360 और स्पीड कितनी है x. तो हमारे पास t क्या आ गया 360 बाय x. दैट इज t आया हमारे पास टाइम. नेक्स्ट इक्वेशन कह रहा है इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. तो सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी. टाइम टेकन इक्वल्स टू दैट इज टी इक्वल्स टू. अगर कहता है कि 5 किलोमीटर पर आर मोर हो गए तो 360 बाय एक्स प्लस 5 हो जाएगा. यहाँ पे स्पीड है. स्पीड कितनी होगी 5 प्लस हो गए 5 किलोमीटर आर मोर. इट वुड हैव बीन टाइम 1 आर लेस. तो टाइम क्या हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 360 बाय एक्स प्लस 5. दिस इज इक्वेशन टू. ओके तो हमने जो t की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की है, जो हमने t की वैल्यू यहाँ पे निकाली है स्टेटमेंट से, इस t की वैल्यू को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 360 बाय x माइनस 1 इक्वल टू 360 बाय x प्लस 5. तो हमने क्या करना है कि जो 360 बाय एक्स प्लस 5 है राइट हैंड साइड को उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, माइनस 1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे. तो हमारे पास आएगा 360 बाय एक्स माइनस 360 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1. अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है. हमारे पास आ जाएगा एक्स एंड एक्स प्लस 5. एलसीएम लेके हमारे पास आएगा 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स इक्वल टू 1. तो हमारे पास आएगा 360x प्लस हमारे पास आ जाएगा 1800 माइनस 360x x एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 1. दिस इज कैंसिल. x एंड x प्लस 5 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करिए, आपके पास रूट्स आएंगे, जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, स्पीड आ जाएगी। थैंक यू।